बलौदाबाजार भाटापारा जिले के आरपीएफ थाना में पोस्ट इंस्पेक्टर सुनीता मिंज ने अपने पति पर गोली चला दी, जिससे उसका पति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है इंस्पेक्टर सुनीता मिंज का पति उस पर शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। लगभग 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में आरपीएफ थाना में पोस्ट इंस्पेक्टर सुनीता मिंज और दीपक श्रीवास्तव की मुलाकात हुई। सुनीता मिंज एक मारपीट के केस में दीपक श्रीवास्तव, जो वहीं का रेलवे कर्मचारी था, वो भी आरपीएफ थाने आया और इसी दौरान मिलने के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों के बीच प्रेम इतना बढ़ गया कि दोनों ने विवाह कर लिया। कहानी में मोड़ तब आया जब साल भर बाद सुनीता मिंज की पोस्टिंग भाटापारा हुई और दोनों पति पत्नी भाटापारा में साथ रहने लगे, लेकिन समय ने करवट ली और हंसते खेलते घर को एक ऐसा रोग लगा जिसे शक कहा जाता है। पति दीपक श्रीवास्तव के मन में अपने पत्नी के खिलाफ शक का जहर शुरू हो चुका था, जो पूरे परिवार को खाने वाली थी और वो हुआ भी। दीपक श्रीवास्तव को शक था कि उसकी पत्नी का उसी थाने में पोस्ट आरक्षक अजय प्रकाश पाठक से प्रेम संबंध चल रहा है, जिसके कारण दीपक लगातार अपनी पत्नी को ताने मारने लगा, पुलिस में जाने की धमकी देने लगा, जिसके बाद लगातार सुनीता मिंज एक अधिकारी होने के बाद भी एक आम जीवन की तरह घरेलू हिंसा का शिकार होने लगी, जिसके चलते पिछले 5 से 6 महीनों से दोनों के बीच काफी तनाव, लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर 10 मार्च को काली रात आई, जब भाटापारा आरपीएफ थाने में ड्यूटी अनुसार रात्रि गश्त के लिए सुनीता मिंज अपनी लोड सर्विस रिवॉल्वर को रख कर निकली, तभी थाने से कुछ दूरी पर उसका पति दीपक श्रीवास्तव मिला और दोनों के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच इंस्पेक्टर सुनीता मिंज ने अपनी लोडेड सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली और पहली गोली हवाई फायरिंग की, जिससे दीपक श्रीवास्तव भागने लगा और फिर सुनीता मिंज ने अपनी पति के कमर के नीचे 2 गोलियां दाग दी। घायल अवस्था में दीपक पुलिस थाने पहुंचा, इसके बाद उसे सरकारी अस्पताल लाया गया। उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसका बयान लिया गया। दीपक ने अपने बयान में अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की बात कही। वहीं पुलिस ने सुनीता मिंज को गिरफ्तार कर लिया है। सुनीता मिंज ने अपनी बचाव में कहा कि मैंने आत्मरक्षा में अपनी सर्विस रिवॉल्वर चलाई, गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन रिश्तों में आई कड़वाहट का परिणाम भयावह ही होता है। कहाँ रहते हैं? भाटापारा रेलवे कॉलोनी। क्या घटना वापस मेरी पत्नी सुनीता मिंज जो आरपीएफ पोस्ट की इंचार्ज है, उसके द्वारा हम लोग का आप एक मेरे को पता चला कि उसका किसी के साथ में उनके सिपाही एक है अजय सिंह, अजय प्रकाश पाठक, उसके साथ में उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको लेके हम लोग के बीच में थोड़ा सा बातचीत हुआ तो समझौता होना हो रहा था, लेकिन रात में शाम को मेरे को बुला के बोले, मैं बोल दिया मैं शहरी थाना जा रहा हूँ, तो सीढ़ी चढ़ने जा रहा था, उसने फोन करके मेरे को बुलाई और सीधा मेरे ऊपर अपने सरकारी रिवॉल्वर से फायर कर दी और जिसमें 2 गोली मेरे को लगी। यहाँ कौन लाया? यहाँ उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल भाटापारा से मेरे को मेकाहारा रिफर किया गया। शादी को 2 साल हुए हैं और मैं घरेलू हिंसा से पीड़ित थी, लेकिन मैंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी, मैं ना ही अपने डिपार्टमेंट को। और मेरा ये मानना था कि बातचीत से मामला सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बात धीरे धीरे बढ़ती गई और ये कल की घटना है। कल सुबह से ही जो है मेरा पति, जिनका नाम दीपक श्रीवास्तव है, वो शराब के नशे में मुझसे जो है अभद्र व्यवहार कर रहे थे और मुझे ड्यूटी करने से रोक रहे थे, मुझे अच्छी तरह से ड्यूटी करने नहीं दे रहे। और फिर ऐसे करते करते बात इतनी बढ़ गई कि रात में करीब 10-15 मिनट की घटना है, जब मैं अपने थाने से पिस्टल लेके नाइट राउंड के लिए जब निकली तो वो मुझे खोजी के पास मिला, और खोजी के पास मिला और वो मुझसे बदतमीजी करने लगा, मुझसे झगड़ा करने लगा। और जो है मैं उससे बहुत कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो मेरी बातों को नहीं समझ रहा था। और इसी दौरान जो है मेरे पास पिस्टल था, जो कि यूनिफॉर्म वालों के लिए पिस्टल जो है हमारी जान से भी ज़्यादा बढ़कर होता है उसकी हिफाजत करना, क्योंकि यदि हमारी जान जाएगी तो एक ही व्यक्ति की जान जाएगी, लेकिन अगर वो हथियार किसी सथीरे व्यक्ति के हाथ में अगर पड़ गया तो उससे कितने लोगों की जान जा सकती है, इसलिए उसकी हिफाजत हमारा सबसे पहला जो है कर्तव्य होता है। वो मेरे हथियार भी छीनने की कोशिश करने लगा, उसके पास गुत्ती था और वो गुत्ती लहराने लगा, और मैंने अपनी आत्मरक्षा में और अपने हथियार को बचाने के लिए
मैंने उसके ऊपर पहले हवाई फायर किया, उसके बाद उसके ऊपर फायर किया। और मेरा मकसद उसे जान से मारने का नहीं था, क्योंकि अगर जान से मारने का मेरा मकसद आता तो मैं उसे कमर के नीचे मैं उसके ऊपर फायर नहीं करती, या तो सीने में करती या उसके सर पे करती। मेरा यही कहना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं एक ये सुनीता मिंज जो है आरपीएफ भाटापारा में पदस्थ है इंस्पेक्टर के पद पे, और इनके पति जो है दीपक श्रीवास्तव, ये इनसे कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद में रात में करीब 10:30 बजे के आसपास में एक हवाई फायर किया और गोलियां से उसके ऊपर हमला कर दिया। उनके कमर से नीचे के हिस्से में लगी हुई है गोलियां, उनका इलाज रायपुर में चल रहा है। और इसमें गोली चलाने वाली महिला इंस्पेक्टर को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। इस संबंध में थाना भाटापारा में अपराध दर्ज कर लिया गया है, हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया गया। आम क्षेत्र के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके सुनीता मिंज को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है और मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बलौदा बाजार से आलोक मिश्रा की रिपोर्ट।